पहले एक कमेंट लेंगे, उसका जवाब देंगे, उसके पश्चात आरबीएल बैंक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अमित बीके साहब ने पूछा है कि सर, व्हाट्स द बेस्ट पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यू ऑफ निफ्टी 50 टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल ब्लू चिप्स स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द बॉटम ऑफ द फॉलिंग मार्केट। बिल्कुल अमित साहब, मैं सामने ही आपके समक्ष जो है दिखा देता हूँ कि क्या पी रेशियो है आजकल, और एक हाई लेवल पे गया था। अगर आप सोचें कि कुछ दिनों पहले जब मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, जब 41-42 हज़ार टच कर रही थी सेंसेक्स हमारा, उस समय 28-29 के बीच में चल रहा था प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वर्तमान रेशियो भी मैं दिखा देता हूँ और आप लोग भी संभवतः निकाल सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ये देखिए, हम लोग हैं NSE इंडिया की साइट पर, और इस साइट पर अगर हम डेट डालते हैं, सेलेक्ट अ टाइम पीरियड, तो हम 13 तारीख यानी कि 13 मार्च 20 से आज की तारीख यानी 17 मार्च 2020 में पी रेशियो में यहाँ पी पे टिक करेंगे और प्राइस टू बुक ये भी देख लेते हैं। अब गेट डाटा यहाँ पे बफर हो रहा और ये खुल के आ गया। मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, देखिए 13 मार्च डेट को पी रेशियो 22.66, प्राइस टू बुक 2.80। ठीक है, पी बी रेशियो एंड 16 मार्च यानी आज तो मार्केट चल रहा है इस वजह से, तो कल का जो है 16 मार्च का 20.93 और पी बी रेशियो जो है 2.59। तो आपने पूछा है कि इस रेशियो में क्या हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या बेस्ट क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि अब जो है आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट एक्चुअली किसी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर बहुत क्रेडिट की वजह से नहीं गिरा है। ये एक भय का माहौल जो कि कोरोना वायरस है, रीज़न वही है। तो इस तरीके से जनरली हम देख रहे हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ तब तो ठीक है, गिरावट है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा लग रहा है कि जब वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट फिर से रिकवर कर ले। तो आइए आज हम बात करते हैं आरबीएल बैंक के, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फंडामेंटल जो विद्वान हैं इस वेबसाइट के, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। तो आरबीएल बैंक के बारे में जानेंगे कि उनका क्या कहना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स वगैरह हैं और क्या इसमें किया जा सकता है। कुछ कॉमेंट्स आए थे आरबीएल बैंक के बारे में, मुझसे पूछ रहे थे। तो आशा है कि यहाँ पे अमित साहब ने जो पी रेशियो मुझसे आपने पूछा है तो आपको मैंने दिखाया कि वर्तमान क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20-22 के बीच में अगर इसी बीच में अगर आप पोजीशन बनाना शुरू कर दें, ब्लू चिप स्टॉक्स लेने शुरू कर दें और मार्केट का कुछ भी पता नहीं रहता, जबकि भय का माहौल है कोरोना की वजह से, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि जो भी आपको अपने बेहतरीन स्टॉक्स हों, जो भी आपने सेलेक्ट करके रखे हों, उनकी थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी लेना शुरू करें। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक, कुछ लोग कहना है कि क्या दूसरा यस बैंक बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट है। अगर हम देखते हैं एक वर्ष पहले, देख लेते रिटर्न वाइज, देखिए एक वर्ष में करीब करीब 74% यानी 75% मान के चलिए करेक्ट हो चुका है लॉस में, नेगेटिव में रिटर्न। जिन्होंने एक वर्ष पूर्व पैसे डाले, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये निवेश किया था एक साल पहले, वो रह गया है मात्र 24,000 समथिंग। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है, और आज जो प्राइस है, आज तो ठीक है मार्केट में थोड़ा सा जो है ग्रीन के निशान पे दिख रहा है, और अभी जो समय हो रहा है 12:48, ताकि हो सकता है कि अभी 2-3 घंटे में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो 170-170 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक है भाई, प्राइस के हिसाब से इट्स अ फेयर वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स वो भी अच्छा देता है, लेकिन डिविडेंड डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। ठीक है, एंट्री पॉइंट इट्स अ गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन, जो भी RSI वगैरह टेक्निकल देख के, लेकिन रेड फ्लैग्स फाउंड, हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये एक खतरे की घंटी है। यहाँ पे इस पर बताया गया, दर्शाया गया है। पी रेशियो इसका है 8.21, प्राइस टू बुक रेशियो है 0.92, डिविडेंड यील्ड और बाकी सेक्टर का ये है। तो जो यहाँ पे एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक 63%, तो हमें तो वही स्टॉक चाहिए जिसमें 100% लोग सजेस्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस बैंक में यही स्थिति है कि ऊपर से समझिए कि कोई प्लेन स्पीड में चला आ रहा है नीचे की ओर, और डर लग रहा है क्रैश ना हो जाए। तो
दूर उससे हट के खड़े हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जैसे कि दिसंबर 18 से दिसंबर 19 में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस क्यों इतनी ज़्यादा इसमें बिकवाली हुई है, वो भी हम अनुमान लगाएंगे, गेस करेंगे, आइडिया लगाएंगे, कुछ कारण निकालेंगे, कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो जो इनकी ब्याज से कमाई है, बैंक के जो कमाती हैं उसमें इनको देखो ईयर ऑन ईयर ज़रूर जो है 31% से ज़्यादा का जो है बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 46% की बढ़त है, बहुत बढ़िया। लेकिन नेट एनपीए यहाँ पे देखा जाए तो पिछले वर्ष के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे करीब 1.5 गुना हो गया, 1.35%। और ग्रॉस एनपीए भी यहाँ पे करीब देखा जाए तो ये भी बढ़ गया है ना, चेंजेस हुए हैं 1.59%। और नेट प्रॉफिट जहाँ पिछले दिसंबर 2018 में हुआ करता था 225 करोड़ का, वो हो गया सिर्फ 69 करोड़ का। यानी कि इन्होंने प्रोविजनिंग की है और उस प्रावधान के तहत इन्होंने जितना भी मुनाफा वगैरह था उसको उसमें लपेट लिया, जो बैड लोन्स दिए गए थे जहाँ से इनको आमद नहीं हो पाई, जो इनकी रीपेमेंट वगैरह नहीं मिल पाई। तो ये है। अब इसमें थोड़ा खौफ वाली बात, भय वाली बात, डर वाली बात यही है कि अगर अगले क्वार्टर्स में यही स्थिति रही कि फिर से एनपीए निकला ज़बरदस्त और प्रॉफिट कुछ निकल के नहीं आया, तो फिर ज़बरदस्त जो है भयानक बिकवाली हो सकती। दूसरी चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। एक चीज़ और लग रही है, FIIs ने देखिए सितंबर 19 के मुकाबले, मैंने Q2 से Q3 में यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, यानी कि 5.22% की जो है। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड ने हालांकि 1% कम की हुई है। इंश्योरेंस कंपनियाँ जो कि महाकंजूस होती हैं, बहुत ही रेयर ही किसी स्टॉक या कंपनी में लगाती हैं पैसा, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हुई है ना, और नुकसान हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 20.26%, और जो इसमें प्रमोटर्स उनके पास जीरो है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें नहीं है, एक बोर्ड मेंबर इनको चला रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना की वजह से जो इसमें हुआ क्या, कि जैसे कि आपको पता है कि डाउ जोन्स या अमेरिका जो भी बाजार्स हैं या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बाजार्स हैं, FIIs जो भी हमारे यहाँ निवेश करके रखे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और एक फ्लैट की कीमत है वहाँ पे 40 लाख रुपए उदाहरण के लिए, या ज़मीन की या फ्लैट की जो भी है, और आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड हो चुका है, यहाँ प्राइस अब ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, यहाँ पे एक स्थिरता आ चुकी है, तो आप सोचे क्यों ना बिहार में हम लगाएं पैसा, या किसी और ऐसी जगह जहाँ पे लगता है कि वो डेवलप हो रहा है और वहाँ पे प्राइस जो है हो सकता है एक साल में आपका डबल हो जाए, तो आपने वही 40 लाख रुपए उठा के मार दिया। अब हुआ क्या कि कोरोना की वजह से घबराहट में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा हुआ कि सब जगह के प्राइस डाउन हो गए, तो आपको दिल्ली में भी जो 40 लाख की प्रॉपर्टी थी वो समझो 20 लाख में हो गए, तो आप उसको क्या करेंगे, बिहार वाला जो इन्वेस्ट करके रखा वहाँ बेचा, और यहाँ सोचेंगे कि यार हम वहाँ क्यों लेके रखें, जब हमारे यहाँ इतना प्राइस डाउन मिल रहा है तो हमारे भाव में ही यहाँ पे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स या प्रॉपर्टी मिल रही है सस्ती, तो आप यहाँ निवेश करेंगे। इसी के चलते जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेच बाज के निकले हैं, ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इसके क्वार्टर के बाद, मार्च के बाद। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि भयानक बिकवाली के चलते, एक तो कारण था जो इनका जो है एनपीए बढ़ा, प्रॉफिट कम आया, दूसरा ये भी है बिकवाली का कारण कि इस समय FIIs बेच बेच के निकल रहे, तभी भारतीय बाजारों में भयानक गिरावट आ रही है। तो इस चीज़ का भी RBL बैंक शिकार हुआ, क्योंकि जब इंक्रीज़ की हुई है होल्डिंग उसके पश्चात फिर इस वजह से बेचा होगा, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है ज़रूर आप सुझाव दीजिएगा। और तो ये है स्थिति। अब RBL में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो भैया यही कहेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे कंपनियां या ऐसे स्टॉक्स या ऐसी बैंक्स भी हैं जिनमें इतनी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस तरफ फोकस करें। आप चाहें तो इस गिरते बाज़ार में कुछ फंडामेंटल और भी बैंक या किसी और भी सेक्टर में ध्यान दें, SBI कार्ड में ध्यान दें, क्या करें क्या ना करें। आप AMC से कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप बैंक्स में भी बंधन बैंक, HDFC बैंक भी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, उसमें ध्यान दें। देखिए मुनाफा भले ही कम मिले लेकिन श्योर शॉट रहेगा कि आपका पैसा आधा तो नहीं हो जाएगा। देखिए इसमें तो 75% साल भर में हो गया। फिर से मैं टिकर टेप की यहाँ पर साइट पर आता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको एक साल में तो 74%, लेकिन 1 मंथ में कितनी गिरावट हुई वो भी दिखाता हूँ। एक मंथ में करीब 48% यानी 50% के आसपास इसमें गिरावट आ चुकी है। तो ये तो खतरे की घंटी है।
है ना। तो आरबीएल बैंक से भैया अभी तो फिलहाल दूरी बनाने का ही समय है, और बस यहीं पे अपनी मैं जो है बात समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। एक छोटा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।